हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। तो हम लोग चल रहे थे एनसीईआरटी की सीरीज लेकर, चल रहे थे क्लास 6 की पॉलिटी लेकर चल रहे थे। उसी क्रम में हम लोग देख चुके थे यूनिट, हमने बोला था आपको 3 यूनिट है। 3 यूनिट में हम फर्स्ट यूनिट देख चुके हैं, जिसमें चैप्टर 1 और 2 देख चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम है सरकार क्या है, इसके बारे में जानना है। उसके बाद एक है सब टॉपिक है सरकार के स्तर, सरकार कितने भाग होते हैं, कितने स्तर पर सरकार बटे होते हैं, कितने लेवल पे। सरकार एवं कानून, सरकार है तो कानून होगा ही, वो क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद इसमें मताधिकार के बारे में थोड़ा आपको पढ़नी है थोड़ी सी, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में अब बच जाती है लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार क्या है उस पर चर्चा कर लेंगे, और लास्ट में आती है निष्कर्ष पे। तो आज इस सारी बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करें। सरकार क्या है, आप हर जगह न्यूज़ में सुनते होइएगा, पेपर में हो, न्यूज़पेपर में, या टीवी टेलीविज़न पे, या किसी के मुंह से आप ये बोलते हुए सुनिएगा। सरकार ने ये इस योजना को रोक कर रखा है, सरकार के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है, सरकार के कारण जो प्याज का दाम है वो बढ़ चुका है, सरकार के कारण पेट्रोलियम का दाम बढ़ चुका है। अब हर जगह इसमें सरकार आ रहा है ना। तो आखिर सरकार शब्द है क्या, जो ये सरकार होती है, जो बोले इतना सारा शब्द सरकार आखिर क्या है। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक आपका एक फैमिली है, फैमिली मेम्बर है, एक कम्युनिटी है, संगठन पूरा, एक जो आपका एक फैमिली मेम्बर भाई है, ऐसे बहन है, सब हैं। उनको चलाने के लिए, यानी कि उनको पूरा देख रेख करने के लिए एक मुखिया तो होते हैं, मेन मेंबर, जो आप होंगे, या आपके पिता पिताजी होंगे, या आपके मम्मी होंगे, कोई तो होंगे ना। तो उनको चलाने के लिए एक मुखिया है। तो जब मान लीजिए, जब छोटा सा एक फैमिली मेंबर है, फैमिली है, उनको चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत है। तो मान लीजिए मेरा देश इतना बड़ा है, उन्हें इसको चलाने के लिए एक कम्युनिटी की या एक व्यक्ति की जरूरत क्यों नहीं हो सकती है। जब छोटा 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 फैमिली, तो उसको चलाने के लिए मुखिया है। तो इतना बड़ा देश है, बाहर से अटैक कैसे हो रहा है, आंतरिक असुरक्षा कैसे हो रही है, उसको भी समझने के लिए एक तुम होना चाहिए कोई व्यक्ति ना। तो उस जो व्यक्ति है या व्यक्ति का समूह है, उसको सरकार बोलते हैं हम। और सरकार में बहुत सारी चीज़ आती है, मंत्रालय होते हैं बहुत सारे, उसमें सारे उस सारे चीज़ हम आगे आने आने आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम सरकार के स्तर। और सरकार है, जैसे आपके फैमिली मेंबर है, तो फैमिली में एक मुखिया है, तो ऐसी बात नहीं है कि आप जहाँ से वो पैसा लाते कमा कर, आपको बताते तो नहीं है कि हम यहाँ से पैसा लाया, चलो इसको इस चीज़ में खर्च करो। वो सिर्फ लाते हैं कहीं से भी कमा के, चाहे वो कितना भी काम क्यों ना करे, या आप 2 काम कर ले, 3 काम क्यों नहीं कर ले, सारा पैसा तो आता है आपके घर में ही। उसी तरह एक एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का समूह सारे देश को नहीं चला सकते हैं। इसलिए इस सरकार शब्द को कुछ स्तर में बांट दिया गया है। कौन से लेवल पे है, तो एक हो जाती है स्थानीय लेवल, जो आपके गांव, मोहल्ले, कस्बे में आपको जैसे मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, पंचायत समिति, तो वो भी ये सरकार का अंग है, भाग है। तो सरकार का स्तर एक हो गया स्थानीय लेवल की। दूसरी होती है जिला स्तर की, सॉरी राज्य स्तर की। जिला आपको आ जाएंगे, स्थानीय लेवल पर भी जिला आ जाएगा, स्थानीय लेवल पर। दूसरी होती है राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे होती है, जो पूरे राज्य का काम कार्यभार देखती है। और तीसरी होती है, जो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी कमेटी, वो होती है केंद्र स्तर पे। केंद्र स्तर पर जो सरकार होती है, वो राज्य सरकार को भी, राज्य सरकार को और स्थानीय सरकार को कंट्रोल करती है। कुछ भी अगर आएगा फंड, तो केंद्र से आएंगे राज्य के पास, राज्य पर राज्य देंगे स्थानीय लेवल पे। तो ये 3 स्तर हो गए। कितने स्तर पर बात कर लिए हम लोग, 3 स्तर, 3 स्तर बात कर ली, एक स्थानीय, राज्य और केंद्र स्तर पर बात कर लिए हम। अब है सरकार एवं कानून। जैसे मान लीजिए आपके फैमिली में कुछ कायदे कानून होंगे ना,
ऐसे आपके आपके घर में आपके पिता पिताजी आने 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 का समय पिताजी का है 8 बजे, तो आपके मम्मी आने से पहले क्या बोलेंगे, सुनो आपके तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, ये मत करो ये मत करो, उनको ये पसंद नहीं है, उनको ये पसंद नहीं है, तो उनके पसंद के लिए आप वो काम नहीं करते हैं, तो वो भी तो एक कानून हुआ ना, आप आपके सामने अगल बगल कानून चल ही रहा है ना। तो मान लो जब आपके फैमिली में इतना छोटा छोटा फैमिली है, उसके लिए भी कायदे कानून है, तो जब इतना बड़ा है तो कायदे कानून क्यों नहीं हो सकते हैं? उसके लिए भी सरकार ने उन्हें बहुत 18वीं सदी में एक संविधान बनाया था। संविधान तो ना आप सुनना ही होगा, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे। संविधान ने उसमें कानून सारे कानून ऐसे रख दिए गए कि इनके अनुसार ही आपको देश में देश को चलाना है। तो कुछ कानून है, कानून जितने हम आगे पढ़ लेंगे, इसमें आपको कानून नहीं पढ़नी है, वे वहाँ से लेवल की हो जाती है, हम पढ़ लेंगे। उसके बाद है लोकतांत्रिक सरकार, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार देख लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार सरकार किसे कहते हैं, आप आम भाषा में ये समझ समझिए। जैसे आप अब्राहम लिंकन का एक महत्वपूर्ण आप परिभाषा सुने होइएगा, लोगों का लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन जी का बहुत फेमस परिभाषा है। लेकिन इससे सिंपल अगर समझना चाहते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में, तो आप ये कह सकते हैं जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, व्यक्ति पूरे समूह से, जैसे कि हम लोग से चुन कर जाते हैं, जैसे हम लोग वोट देते हैं, वोट के द्वारा उनको चुनते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार में हिस्सा हिस्सा लेते हैं, उसको सरकार बोलते हैं। एक तो एक होता है राजतंत्र सरकार, राजतंत्र होता है तानाशाही, तानाशाही भी उसको बोल सकते हैं आप। चलिए अब आते हैं मताधिकार के बारे में। तो कहा जाए तो इंडिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, महिला आंदोलन चला, एक महिला मताधिकार आंदोलन, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो सरफेस मूवमेंट भी कहा जाता है। इसका सरफेस मूवमेंट इंग्लिश में उसका मतलब होता है, मतलब ही होता है वोट देने का अधिकार। तो महिलाओं ने अपने वोट के अधिकार पाने के लिए एक अधिकार मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया, जिसको सरफेस मूवमेंट या महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के क्रम में हुआ था। अब आती है कहाँ कहाँ उस समय में कहाँ कहाँ आपको अधिकार मिल गया था वोट देने का अधिकार महिलाओं को। तो अमेरिका को मिला था 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में मिला था अमेरिका को महिलाओं को, महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को पहले, क्योंकि इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी में हुआ अमेरिका में। इंग्लैंड में 1928 ईस्वी में हुआ, इंग्लैंड में 1928 ईस्वी में वोट देने का अधिकार हुआ। अब आती है भारत में, तो भारत में 1926 में वोट देने का अधिकार हुआ महिला को, नहीं सारे व्यक्ति को, सारे व्यक्ति इसमें सिर्फ बड़े बड़े लोग को शामिल किया गया था। तो उसी पे एक 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका में बोले थे, मत देने का अधिकार उसको नहीं है जो अमीर है, जो पहले संपन्न है, ऐसी बात नहीं है, मत देने का अधिकार उन्हें भी है जो मजदूर हैं, खून पसीने का कमाई करते हैं, उन्हें भी है। तो ये महात्मा गांधी यंग इंडिया एक्सप्रेस में 1921 ईस्वी में कहे थे, ये भी आपके बुक में मेंशन है। अब आती है निष्कर्ष पे, निष्कर्ष पे आ जाते हैं। निष्कर्ष क्या हो सकता है, जैसे आप निष्कर्ष भी आप ये बोल सकते हैं, आप सरकार चलानी है तो आपको लोगों की मदद चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार में, तानाशाही में नहीं होती है, राजतंत्र में नहीं होती है। सरकार चलाने के लिए आपको जरूरत होगी व्यक्तियों की, लोगों की, जैसे एक फैमिली में मुखिया को चलाने के लिए फैमिली के सारे मेंबर को एक मत होनी पड़ती है, तभी फैमिली चल पाती है। उसी तरह सरकार को चलाने के लिए, लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए व्यक्तियों को, व्यक्तियों का जो मजबूती होती है वो सरकार के साथ होनी चाहिए। उसके बाद
मताधिकार पाने के लिए हम महिलाओं को बच्चे को बूढ़े को आगे आगे कर सकते हैं। ये सरकार में भागीदारी ज़्यादा हो, किसकी जो अच्छे सरकार सत्ता में आ सके। उसके बाद तीन स्तर पे सरकार होती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। सभी को सम्मिलित रूप कहा जाए तो सरकार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज इस सेशन में क्लास 6 की NCERT यूनिट 2 का चैप्टर 3 देख चुके हैं आज। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3, यूनिट 2 का अगला चैप्टर देखेंगे चैप्टर 4। तो फिलहाल इतने के इतना इतना के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई सेशन।